गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 12वां दुमदुमा गांव के बच्चे, वो अपने कहानी पूरी समझे थे अगले वीडियो में भाग 1 में। आज हम भाग 2 में पेज नंबर 84 एक कहानी आती है सांप और मेंढक की, वो हम समझेंगे आगे। किताब तो सबने खोल दी होगी मित्रों, देखते हैं मित्रों। देखो एक चित्र कहानी है, चित्र के आधार पर अपने कहानी बनाने की है। तो पहला चित्र है एक नंबर का, उसमें एक तालाब का चित्र दिया हुआ है। तालाब है, उसके बाजू में सब पेड़ दिखते हैं आपको, और पेड़ के नीचे जड़ है, वहाँ पे जहाँ जड़े हैं पेड़ की वहाँ पे बिल है, उसमें एक सांप दिखता है आपको देखो। और तालाब के किनारे सब मेंढक दिखते हैं, मेंढक એટલે દેડકો। આપણે આનું થોડું ગુજરાતી કરીશું મિત્રો, કે એક તળાવ છે એની બાજુમાં બધા ઝાડ છે અને ઝાડના થડ મતલબ મૂળનો ભાગ છે, ત્યાં એક સાપનો દળ છે અને એમાં સાપ રહે છે અને તળાવમાં બધા દેડકાઓ રહે છે, મેંઢક એટલે દેડકા। દૂસરા ચિત્ર હે મિત્ર, દેખો કે સાપ અપને બિલ મે સે બહાર નિકલ કર એક મેંઢક કો પકડ કે ખા જાતા હે, ऐसा वो हर रोज करता है। तो ऐसे थोड़े दिन हुए तो तीसरे नंबर का चित्र देखो मित्रों, के सब मेंढक एक साथ इकट्ठे होते हैं और सोचते हैं कि ये सांप है वो रोज हमारे एक मेंढक को खा जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कभी हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, ये सांप को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर चौथे चित्र में मित्र आप देख रहे हैं कि एक दिन सब मेंढक ने एक साथ खड़े होके एक युक्ति बनाई। तो क्या हुआ, एक मेंढक होता है वो सांप को पकड़ने के लिए, सांप जैसे बाहर निकलता है अपने बिल से तो ऐसे सामने खड़ा रहता है, और जो बाजू के दूसरे मेंढक है वो आजू बाजू छिप जाते हैं। जैसा वो सांप मेंढक को पकड़ने के लिए आता है तभी सभी मेंढक बाहर निकल के सांप को पकड़ लेते हैं बराबर, उसको अपने बिल में जाने देते नहीं है। फिर पांचवें नंबर के चित्र में देखो, सांप होता है वो सब मेंढक से माफ़ी मांगता है और बोलता है भैया ऐसा मैं करूँगा नहीं। तो ऐसे छठे चित्र में हम लोग देख रहे हैं सांप अपने बिल में जाता है। तो इस कहानी से हमको ये बोध मिलता है कि संगठन में शक्ति होती है। सब मेंढक ने एक साथ इकट्ठे होके जो कार्य किया उससे सांप को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, और सब मेंढक ने एक साथ कार्य किया तो सांप का सामना कर सके। मतलब सब एक साथ वो जुट होके कोई भी कार्य हम करते हैं तो सफलता पूर्वक पार होता है और होता है। आगे मित्र पेज नंबर 85 बुक्स में हम देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी, कौंस में दिया है रहना तो हम लिखेंगे रहती थी। बच्चे तालाब में नहाते थे, कौंस में लिखा है नहाना तो यहाँ हमको लिखना है नहाते। खेतों में मक्का और धान खाली जगह थे, कौंस में लिखा है लहाना, हम खाली जगह में लिखेंगे लहाते थे। इसके नीचे है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। खेत में गायें चरती हैं, खेत में लाल गायें चरती हैं, खेत में सफेद गायें चरती हैं, खेत में तीन गायें चरती हैं, खेत में सुंदर गायें चरती हैं। तो इसमें विशेषण है कि कैसी गायें हैं, तो लाल गायें हैं, सफेद है, तीन है, सुंदर है, वो सब विशेषता दर्शाते हैं गाय की। नीचे है शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखिए। आप कोई भी वाक्य एक दिया हुआ है, बगीचे में फूल खिले हैं, तो इसमें से आप लाल रंग बिरंगे तीन और सुंदर ऐसे ही आप ऊपर जैसे बनाए, इस तरह से ये भी आपको वाक्य बनाने पड़ेंगे। नीचे भी कमे भी वाक्य बनाने हैं, आप कोई भी वाक्य एक शब्द का उपयोग करके बना सकते हैं। स्वाध्याय के प्रश्न मित्रों हम समझेंगे, दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी। तो आपको अपने कहानी पढ़ी हमको पता चला कि दुमदुमा गांव में पानी की कमी रहती थी, वो
समस्या थी। पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे, तो हमको पता है बच्चे खेल नहीं पाते थे या तैर नहीं पाते थे। इसमें पानी में रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? रजिया ने बताया था कि बड़ा सा गड्ढा खोदे, बराबर। और खोदने के लिए वो लोग नहीं, खोदने का ही खाली उपाय बताया था कि जिसकी वजह से बरसात जब भी आवे तभी बरसात का पानी वो गड्ढे में इकट्ठा हुए और वो पानी हमारे काम आवे। जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए? तो कौन कौन से लाए थे? तो फावड़े, तसले, कुदाले और कुहाड़, कड़ाही, ये साधन लाए थे। तालाब में बरसात का पानी भरने से डुंडुमा गांव को क्या फायदा हुआ? तो डुंडुमा गांव में खेतों की सिंचाई हुई और खेत मक्का और धान से लह लहाने लगे। पेज नंबर 86 मित्र हम देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? तो मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो, ये वाक्य बिल्लू बोलता है। बादल रोज कैसे बरसते हैं? तो ये महिमा बोलती है। क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए, ये वाक्य रजिया कहती है। शब्द को शब्दकोश में लिखिए, क्रम में लिखिए, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी, वो आपको लिखना पड़ेगा। इसमें एक ही दिया है, मैं आपको तीन देने वाली हूँ। गुजराती में अनुवाद कीजिए, बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। गुजराती करवाऊं? जारे गुजराती करो, एग्जाम में आवी शके छे प्रश्न, तो दरेक शब्द नु गुजराती थवू जोईए। बाळको पाणी में नहवा रमवा इच्छता हता। पानी से खेतों की सिंचाई होती है, तो पानी थी खेतरों में सिंचाई थाय छे। बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा, तो बरसात ना पानी थी तालाब में पानी भरायू। बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची, तो बाळकोए पानी की तंगी दूर करवानू विचार्यू, सोची मतलब विचार्यू। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। एक दिवस बाळको रमतना मैदान में इकट्ठा मतलब भेगा थया। समन्यादि शब्द मित्र हम यहाँ देख लेंगे, प्रार्थना तो उपासना स्तुति, उपाय तो युक्ति तरकीब, पानी तो बारी नींद, बारिश तो वर्षा बरसात, परेशान तो दुखी और व्याकुल, ये भी आपको लिखने पड़ेंगे होमवर्क में। मित्रों पेज नंबर 87 में हम देखेंगे, ट्रैफिक की कोई निशानियां यहाँ दी गई है, तो वो भी मैं आपको होमवर्क में देऊंगी। वो आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है, दौड़ना है और फिर इसके नीचे लिखना है। कुछ शब्द नीचे दिए गए मतलब फावड़ा, वो अगले वीडियो में भी हमने देखा था कि फावड़ा मतलब पावड़ो, तसला मतलब तगारू, कढ़ाई मतलब कढ़ाई, कुदाल मतलब कोदाली, टोकरी मतलब टोपली। तो जो पण होमवर्क आपूँ वो आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा। एक पार्ट हम यहाँ पूरा करते हैं, आगे का पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे।